टीमे पर टिप आंसू नहीं किप टिप गिर रहा है, तुम्हारा पसीना भी गिर रहा है। पसीना नहीं पूछ रहा आलन। हाँ, पसीना पूछने से पहले तुझे मजदूरी देनी पड़ेगी। और तूने वो नहीं सुना कि गरीबों का पसीना बह रहा है? यार कोरस गा रहे हो तुम, खुद आंसू भी नहीं पहुंच सकते, जवान हो गए हो। यार अगर मैंने पहले पूछे थे तो 3 घंटे मुझको दिखाई नहीं दिया इमाम से, उसने सारी मिर्चें लगी आंखों में। इधर मुंह कर। ये कैसे पूछ रहा है? कागज से? कागज से ये मेरा मुंह है को मेज तो नहीं है। अच्छा सर, दे रुमाल से पहुंच देता हूँ। जल्दी कर जल्दी। अब नजर आ रहा है? अब ठीक। यार बड़ा ही बोगस आदमी है तू, अबे रोना धोना बंद कर, ये बता कि कीमा तैयार है? कीमा किसका? काहे का कीमा? अबे कबाब का कीमा। कबाब का कौन सा कीमा? अबे कबाब का कीमा और काहे का कीमा? ये कबाब का कीमा है तो काहे का कीमा? ये तो संडे का कीमा। क्या? ये तो उस संडे का कीमा है अलन, वो गाड़ी के आगे लगा हुआ था ना, कूड़े वाली गाड़ी के आगे, जो बेहोश होकर गिर पड़ा था, कमजोर बहुत था ना तेरे जैसा, तो फिर लोगों ने छुरी फेर दी। बकवास की तो मैं तेरा यहाँ पर कीमा कर दूंगा, मैं ये बता दूं। यार अलन तू कसम खा जा फिर। क्या? कि ये संडे के दिन संडे का कीमा तो 2 रुपए किलो से नहीं लाया था तू? यार उसका इस वक्त जिक्र जरूरी है। नहीं नहीं तू कसम खा जा क्या, मरी हुई मुर्गियां पोल्ट्री फार्म से वैगन में भर के नहीं लाया था जो लोगों को तूने चिकन पीस के तौर पे खिलाई? अरे खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, ये चौक पर बैठ करके ये बातें कर रहा? ना ना तू कसम खा जा, तूने चील और कौओं को काट के तो उसकी टिके बोटी छोटी छोटी बना के खा जाकर ये बोटी कबाबे लोगों को नहीं खिलाई थी? अबे चुप कर, फाइल में हाथ जोड़। तू कसम खा जा, तू कसम खा जा कि तूने वो मासूम चिड़ियों को छील कर तूने बटेरों के नाम पे नहीं बेचा था? और खुदा का वास्ता है, अबे लोगों को पता चल गया तो वो हमारी टिक्का फोटी कर देते। नहीं नहीं लोगों को तो पता चल ही नहीं सकता, वो तो खाने के बाद भी उनको पता नहीं चलता। यार अलन मेरा एक मशवरा है। क्या? मैं तुझे छीन के ना तो गुजरा वाले के चेहरे की तरह तुझे यहाँ पे ना भून दू। तू बड़ा गुनाहगार आदमी अलन, तेरा ये कारोबार बिल्कुल नहीं चल सकता, मैं तुझे कह रहा हूँ। पता का वास्ता है यार नन्हे, बात सुन, खाने का हर कारोबार चल सकता है क्योंकि इंसान ने खाने में जानवरों को पीछे छोड़ दिया। मगर तू लोगों को हराम खिलाने पे क्यों तुला हुआ है? अबे इसलिए कि लत पड़ गई लोगों को हराम खाने की। और तेरा क्या ख्याल है कि ये चील और कौवे और ये गिर बस यही हराम है? नहीं नहीं और भी चीजें हैं, मसलन कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं। ये कुत्ते और बिल्लियों का इस वक्त जिक्र जरूरी है ना? तो कुत्ते बिल्लियों का बेचारों का अब जिक्र ही हो सकता है? पहले क्या अच्छा वक्त होता था, यहाँ लोग आके बैठते थे, हड्डियां फेंकते थे तो कुत्ते और बिल्लियों के गोल नीचे फिरते थे, खुद वो खा देते थे, सफाई करके चले जाते। अब तो हड्डियां हमें फेंकनी पड़ती। तो अच्छा हुआ ना भाई, तुमसे हमारी निजात हो गई। हाँ तो तुझसे निजात कब होगी? तू भी तो लोगों को हराम पे हराम खिलाया जा रहा है। यार तू कैसा पागल आदमी, सिर्फ हम ही हराम चीजें खिला रहे हैं और वो यहीं पर आकर के हराम चीजें खाते हैं, वैसे हराम चीजें नहीं खाते। और क्या हराम चीजें? रुश्वत खाते हैं है? खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। टैक्स खाते हैं? हाँ वो भी करोड़ों रुपए के। हाँ हाँ वो भी खाते हैं और खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। तो फिर किन किन हराम और हलाल चीजों को रोएगा तू? यार अलन वैसे तू ठीक कह रहा है, हराम और हलाल चीज में अब कोई फर्क रहा नहीं भाई। इसीलिए तो मैं तुझे समझा रहा हूँ नन्हे कि यार तुम अपना काम जारी रखो, इन छोटी छोटी बातों पर खुलने का क्या फायदा है? यार अलन तू ठीक कह रहा है। थोड़ा सा एक मिनट, ये थोड़ा सा नमक चख। जा नमक। नहीं यार ये तो खुद चख। नहीं नहीं मेरी जुबान गंदी हो जाएगी, मैं नहीं ये खाता, ये दफा कर इसको। बदबू आ रही है ना तो लोगों का सुन क्या हशर होगा। ऐसा कर नमक ठीक है, इसमें तो जरा मिर्चियां और तेज कर दे। नहीं नहीं मैंने पहले बहुत मिर्ची डाली हुई, तेज हो जाएंगी। अबे तेज खाक हो जाएगी, कौन सी असली मिर्चियां तेज हो जाएंगी? किसी ये ठीक है यार अलन। एक बात तो बता, यहाँ सिर्फ बस ये हर चीज नखालिस में कोई चीज नहीं रह गई खालिस खाने की? हाँ हाँ एक चीज रह गई खालिस खाने के लिए। क्या? अबे गुस्सा ना, तो गुस्सा तो हराम चीज है, ये तो नहीं खाना चाहिए। ओ खुदा यार तू क्या हलाल और हराम की बकवास में पड़ गया है तू? तू अपना काम कर, मसाला तेज कर।
क्या तेज हो रहा है? आइए आइए पहले। छुरी छुरी किसके लिए? पब्लिक के लिए और किसके लिए? आपने इस धंधे में फंसा क्यों दिया है हमें? यार इस धंधे में बड़ा माल है, तुम दिल लगाकर काम करो। आप फिक्र ही ना करें पहलवान जी, आपकी दुकान को तो हम ऐसा चला के दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे। हाँ जी, आप याद करें ना करें, पब्लिक जरूर याद करेगी। यार अल्लन, ये कुछ मैं मुर्गी लाया हूँ। अच्छा, दोस्तों के लिए शाम को आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्तों को भी मरी ही खिला रहे हैं? अरे नहीं यार, मैंने सुबह में मार्केट गया था। अच्छा। अपने सामने जबा करवा के बनवा के साफ करा के लाया हूँ। अच्छा, अच्छा जी, तो दोस्तों को आप मार्केट जाके जबा करा के साफ करा के खिलाते और ग्राहकों को मरी हुई मुर्गियाँ खिला रहे? आपके ईमान को क्या हो गया पहलवान जी, कच्चा चबा गए हैं या सीट पे लगा के भून के खा गए हैं? यार अल्लन समझ नहीं आती, तुम समझ डाल लगते हो। ये आदमी क्या बकता रहता है? जी बकने दीजिए, जो बकते हैं वो बकते रहे, सुबह से शाम तक लोग बकते रहते हैं तो उनका नोटिस कौन लेता है? आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा इस बंदे को। अच्छा अलन, एक आदमी आएगा, मैंने उसे मुर्गियों का ऑर्डर दिया। अच्छा, बड़ा ही सस्ता माल दे रहा है। अच्छा, तो क्या गली से जाके पकड़ के ले आता है? पता नहीं क्या करता है यार। अच्छा, लेकिन माल बड़ा सस्ता दे। अच्छा, मरी मुर्गियां है जिंदा? मरी? हाँ हाँ। तो क्या मार्केट से भी सस्ती? मार्केट में तो आग लगी हुई है, मरी मुर्गी जिंदा मुर्गी के अफवाह दे रहे हैं और ऊपर से जालिम के बच्चे नखरे नखरे। अस्सलाम वालेकुम पहलवान। ये आ गया, यही है वो? यही है। यार दो दर्जन मिली है सिर्फ, बाकी अभी जिंदा थी, शाम को जाकर फिर पता करूंगा। चौक में बोल रहा है, खाना खराब आवाज रख दे, जाओ उधर रख। बड़े काम का आदमी है, बड़े काम का आदमी है। बस ठीक है जी, काम बसमिल्लाह। अच्छा तो आप जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मैं घर पे घर, मेरे साथ चल, जीप में ले जाऊंगा इसमें। अच्छा जी, वो मेरा माल तैयार तैयार जी। पहलवान अलन, अलन इधर इधर बासु, ये जो अपने ये दुकान का मालिक है, ये पहलवान, ये किस किस्म का पहलवान है? कुश्ती तो कभी मैंने इसकी देखी। तुमने इसकी कुश्ती नहीं देखी? वो जो बद्दा बड़ी मुर्गियां लाया है मेले में, तो ये पब्लिक के साथ क्या करता है? खिलाती कुश्ती तो कर रहा है। तो ये आवारा आदमी जुआ खेलता? अबे इसके पास पैसा है, ये नहीं खेलेगा तो हम खेलेंगे। इस तरह पैसे तो नहीं जाया करना चाहिए यार, जो पैसा आसानी से आ जाता है ना फिर वो जाया ही होता है। देखते यही पहलवान, छोटी सी दुकान होती थी इसकी। अच्छा, साफ सुथरा माल बेचता था। अच्छा, लोग खाके इसको दुआएं देते। अच्छा, ना तो अब इसके ईमान को क्या हो गया? बस अब इसका ईमान बिगड़ गया, लोग इसके यहाँ आके खाने लगे। पैसा आने लगा, जब पैसा आने लगा तो इसकी हिस्स बढ़ती गई, जमीन खरीदने लगा, मकान खरीदने लगा, जायदाद खरीदने लगा। ईमान घटता गया, पैसा बढ़ता गया। ना तो अब तो इसका ईमान जो है बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो जीरो जीरो। हाँ अब तो जनाब ये जुआ खेलता है लंबे लंबे, समझ रहे हो ना, लंबे लंबे खेलता है और चाहता है कि पैसा एकदम से आ जाए, फौरन आ जाए और बहुत सा आ जाए। ये जो पैसा नाम की एक चीज है, ये बहुत बुरी चीज है। इसके पीछे अगर यानी पीछे भागते भागते तू तो तीला हो जाना था। शुक्र है हमारे पास पैसा नहीं है। बकवास कर रहा, टेक लगा के बैठा हुआ। अबे गाहक को घेर के लाओ। अच्छा अच्छा, आइए जी भाईजान, संडे के कबाब। आइए जी, मरी हुई मुर्गियों की जलगार। ये क्या हो रहा है? ये गाहक बुला रहे हो? तूने खुद ही कहा गाहक को घेर। अबे यहाँ बैठ के थोड़ी गाहक घेरते हैं, जाके जबरदस्ती गाहक को पकड़ के लाते हैं। आवाज नहीं लगानी? अबे आवाज नहीं लगानी है ना यार, जब तुम देखोगे गाड़ी आ रही है उसके पीछे भागो। तुम देखते नहीं हो कि गाड़ी आते दस लौंडे पीछे भागते हैं? तो हाँ क्या कर बोलो। अबे वो गाड़ी आई, मर जाएंगे क्या? मतलब हमने सीखो पे नीला धोखा लगाया हुआ? अरे क्या कर रहे हैं ये? मैं आपको चुप के ले जा रहा हूँ, चुप ले जा रहा हूँ। इस तरह चुप के ले जा रहा हूँ जिस तरह तीन चूहा चुप के ले जाती है। आजे 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 आजे। ना तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ के ले आए? मेरा कसूर क्या है? ना जी, तो आप कभी अखबार पढ़ते? हाँ पढ़ता हूँ। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि फलां फलां को चुप के ले गया, अगवा करके ले गया।
तो जिनको अगवा करके ले जाते तो उनका क्या कसूर होता है? ना तू मुझे ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है, तू मुझे यहाँ पे उठा के क्यों ले आए? सौदा बेचने के लिए। सौदा बेचने के लिए? सौदा ऐसे बेचते हैं, कपड़े फाड़ती थी जीरे बहन से पकड़ के और स्टेशन से घसीटा घसीटी करके। तभी से बात करो जो गाड़ी से, मैं उनसे ऑर्डर ले रहा हूँ। ऑर्डर ले रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो? कहेंगे क्या? टिकट नहीं, चिकन भी नहीं, कबाब नहीं, हड्डी हड्डी। अरे भाई मुझे इन चीजों से डॉक्टर ने मना किया हुआ है। क्यों मना किया भाई? ये भाई मैं तो मरीज आदमी हूँ, मैं तो वो सामने डॉक्टर की दुकान से दवा लेने के लिए जा रहा था, तू मुझे यहाँ उठा के ले आए बदबख्त। देख रहे हो तो उनसे बात तक तो हो नहीं रही यार। ये क्या, ये क्या लानत है मुझ पर? हालांकि अच्छा भला मुझे शक्ल से नजर भी आ रहा है कि ये मरीज है, लेकिन वो नहीं, बस उसको नहीं समझ आया। चलिए जी, चाचा जी मैं जी, तो फिर इसका मतलब है आप गाहक नहीं है। गाहक ऐसे होते हैं बस बस। चलिए आए, मैं आपको उठा के छोड़ के आता हूँ। मैं खुद चले जाऊंगा। क्यों छोड़ रहे हो? वो खुद चले जाएंगे। इधर है, इधर है डॉक्टर। नहीं नहीं इधर नहीं है, इधर ही है मेरे पास। कौन डॉक्टर? डॉक्टर इधर 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 डॉक्टर उधर इधर इधर है या उधर है या कहीं है भाई? वो आप इस तरफ गए, ये क्या करती? यार मुझे नहीं है, मान से पता चला गया ये क्या है, इस तरह ग्राहक लाते हैं। सॉरी सॉरी यार, तुम्हें ग्राहक और राहगीर में तमीज नहीं है कोई? अब मुझे क्या पता था, शक्ल से तो वो नजर आ रहा था, लेकिन नहीं बस समझ नहीं सका, गलती हो जाती है। अच्छा तुम यहाँ बैठो, अब आइंदा गलती ना हो। ये नहीं होगा, नहीं होगी। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे? सामने जा रहा हूँ। हम सुबह से अखबार नहीं पढ़ा, तो मैं सोच रहा हूँ अखबार ही देख लो। अखबार देख लीजिए है ना, सिर्फ अखबार ही देखने जा रहे हो ना? और क्या करते? इधर आओ ना, इधर सिर्फ अखबार देखिए। बस ये अखबार में ही आएगा कैसे दिन? क्या ये खबर अखबार में ही आएगी? तो क्या खबर? कि अल्लन चाय पीता हुआ ट्रक के नीचे आ गया। खास कर चाय पीता हुआ ट्रक के नीचे, चाय पीता हुआ ट्रक के नीचे कैसे आ जाएगा आदमी? बस खबर क्यों होती है, बस आजकल तो खबरें ऐसी ही होती है। अखबार मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। जा रहा है, आ रहा है, कोई बात नहीं। तेरे आते को मैं भी जो हराम हलाल है ना सब या तो नहीं खाऊंगा, नहीं बस फेंक ही दूंगा। आइए आइए, क्या खाएंगी? आपने मेरी बिल्ली तो नहीं देखी? कमाल ये चिकन कॉर्नर है, ये कांजिया हो? तुम से चार आदमी आके ये पूछ चुके कि आपने मेरा कुत्ता तो नहीं देखा? हाँ बिल्ली को आपने ऑर्डर दे के भेजा? नहीं सुबह से लापता है, बस ढूंढ रही हूँ। वो कहीं हलीम वाले की दुकान पर चली गई, गलती से उधर चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती, पता नहीं वो शख्स उनको क्या सिखा दे। वो उधर नहीं जा सकती इसलिए कि वो हलीम नहीं खाती है। नहीं वो हलीम नहीं खाती है, दूसरे तो खाते हैं ना। मैंने सोचा शायद हड्डियों की लालच में इधर आ गई। शीबा 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 शीबा, हड्डियों के पहले बिल्ली की बात कर रही थी, अब शीबा को ढूंढ रही है। शीबा शीबा शीबा, ओ कितनी खूबसूरत बिल्ली। अरे शीबा अभी तुम्हारी मालकन इधर आई थी मेरे पास। देखो अकेले मत फिरा करो, जमाना बहुत बुरा है, अगर किसी दिन तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो वो तुम्हें देजकी में बंद कर देगा और ऊपर से ढकना दे देगा, जब ढकना खोलेगा तो फिर उसमें तुम नहीं होगी, नहीं होगा। आया जी आया, तुम इधर ही रहो, मैं अभी आ रहा। हाँ जी ऐसा करो जी, चार चिकन पीस ले आओ। चार चिकन पीस? चिकन पीस आप? हाँ धो के लाना। धो के? क्या मतलब है धो के? निचोड़ के नहला के चड्डी पहना के चिकन पीसों को लाऊं? ओ नहीं भाई, हम मसाला जरा कम खाते हैं इसलिए धोने को कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कितने बताया आपने? चार चार। यही तो खाएंगे, साथ ले जाएंगे? यही खा लेंगे। अच्छा अच्छा, बीवी से चिपके खा रहे हैं? ओ नहीं भाई, बीवी साथ है, वो सामने शॉपिंग कर रही है मार्केट। तो फिर आपकी बीवी को ना पहले बुला लूं? ओ नहीं यार, तुम जाके ऑर्डर लगाओ, मैं करूं वो ठंडे हो जाएंगे ना, इसलिए मैं कह रहा था। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आप कहें। शीबा क्या 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 क्या, तुम मेरी बीवी को आते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्ली को बाहर। अभी लाया
अभी लाएगी माल। ओ बेड़ा गर्क, ये क्यों? ये तो सारा कीमा बिल्ली खा गई, तो अब मैं कबाब कैसे बनाऊंगा? तो खाना खराब। एक दर्जन कबाब दे दे। एक दर्जन कबाब काय के दे दूं? कीमे के और काय? कीमा नहीं है, सारा शीबा खा गई। शीबा कौन? शीबा कौन? यहाँ मोहल्ले में रहती है, मां से बड़ी खूबसूरत है, खूबसूरत खूबसूरत उसके बाल हैं, ये जनाब हरी हरी आंखें और इतनी लंबी तुम। इसकी बात कर रहे हैं बिल्ली की? तो आप किसकी समझ रहे थे? क्या किसी वो सारा कीमा ही खा गई थी, मैं आपका बात कहां से देखी ना कि ये तो रिज़्क़ की बात होती है। पहले बिल्ली आ गई थी वो खा गई, अगर आप पहले आ जाते तो आप खा जाते। अच्छा फिर मैं किसी दूसरी दुकान से ले लूं? बिल्कुल, आपका दूसरी दुकान पे रिज़्क़ लिखा हुआ है, वहां जाके खाएं आप। क्या 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 दूसरी दुकान पर जाएं? भाई साहब बैठे यार, अलन वो क्या बात है, क्या चाहिए भैया? कबाब चाहिए। कबाब चाहिए अभी लीजिए, कबाब बनाओ। अलन वो एक दर्जन, एक दर्जन कबाब बनाओ यार। अलन वो कीमा बिल्ली खा गई है सारा। क्या क्या बिल्ली खा गई ना? अलन वो बिल्ली खा गई कीमा? हाँ हाँ, तुम क्या तो अच्छा ही हुआ ना, वो खा गई है, वो संडे का तो कीमा था, वो मुर्दा करो। आप दूसरी दुकान से ले। नहीं आप बैठे जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप बैठे मैं आपको। अच्छा बात करेंगे तो आप। हाँ बताने तो ये अच्छी बात होगी ना, तो हम तो किससे बकवास किया जा रहा है? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, गुनाहगार होने से बच गए हम। अलग तो ये तो पता है जिस चीज का कीमा था, वो कुत्ते बिल्लियों का था, कुत्ते बिल्ली खा गए। कुत्ते बिल्ली के बच्चे तो मालिक आ गए, मालिक आ गए। हाँ सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देखी, कौन खबीस था, क्या हुआ? आईना देखा होगा जी आपने। चलो काम करो अपना। कर रहा हूँ। अजी पहलवान जी, अब तो पत्तों में गड़बड़ थी। ओ जी क्या शान होती थी जवारिये की, क्या बात है, जुआ खड़ा होता था। हाँ जी अब तो बस हर चीज में बेईमानी हो गई जी। हाँ जी अब तो सगे बाप पर भी एतबार नहीं रहा। अब तो चारपर चारपरों ने तबाह किया है ये। जी हमारा ऑर्डर लगा जाओ भाई, अभी लगा रहा जी। पहलवान का ऑर्डर लाओ, पहले बाहर का ऑर्डर दिया हूँ, जाओ देखे आओ जल्दी। मैं तो सारी पूंजी हार गया हूँ। हाय 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 सारी पूंजी बाहर निकलवा ले बैंक से, वो तो सुबह पहलवान जी 10-12 साल से ये बिजनेस आप कर रहे हैं पहलवान साहब। ये पैसे ले, ये क्या है, ये क्या है, इधर लाओ। नहीं नहीं बस इसमें मेरी मुट्ठी में किस्मत का हाल है। चलो खोलो। ना यार मैं कह रहा हूँ खोलो। क्या तो कुछ भी नहीं है मैं। चलो नन्हे हाँ जी जल्दी से लाओ। अच्छा लाओ पहलवान साहब का, बैठो बैठो पहलवान साहब। आप फिक्र न करें जी, दुकान ये आपकी चल रही है माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक कारोबार है। मुझे तो आजकल फुर्सत नहीं है। आपको तो इधर दिमाग लाने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप अपना सारी तवज्जो उसी तरफ रखें। जी हाँ जी जी ले लोग नहीं आप खाइए। वाह वाह वाह, ताजे हलाल माल का मजा ही कुछ और होता है। जब मैंने कुछ खाना होता ना तो सुबह सुबह मार्केट जाते अपने सामने जमा कर आके लाता, बड़ा मजा आता। अच्छा है ताजे हलाल माल का तो चक्कर ही और है यार। अलग वैसे खुदा इन बातों से पहचाना जाता है, अल्लाह की शान है ना। हाँ। है नहीं? हाँ। जिसके नसीब में लिखा था वही खाता है। हाँ, हाँ, चक्कर गलत हो गया ना। हाँ। उनका जो माल था ना ताजा और हलाल, वो उस फकर वाला ले गया। हाँ? और ये जो खा रहे हैं ना, ये इनका आदमी जो दे गया था वो वाला है। नहीं 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 हराम माल खिला रहे हो, चीज क्यों रहे? हमने तो एक दफा आपको हराम माल खाया, आप लोगों को हर रोज खिलाते तो इतना नहीं चीखते वो। अल्लाह ये क्या पकड़ा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं, नहीं पहलवान जी ये बकवास कर रहा है, आप इसकी बातों पर ना जाए। यार जाहिल होना कोई बुरी बात नहीं, ये बदतमीज है और मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा जो चीज आप बर्दाश्त करते हैं वो मुझे बता दे। मुझे यहाँ के आप यहाँ से तशरीफ ले जाए, निकल जाए अल्लाह इसे लेके निकल जाओ यार। अच्छा जी, अच्छा जी एक दफा हराम खराया खाया है जो आपने हमें निकाल रहे हैं, और लोगों को डेली आप हराम खिलाते हैं, उन्होंने तो आपको अल्लाह अल्लाह इसे ले जाओ यहाँ से, दबा दो यहाँ से, छोड़ दे अल्लाह नाम रहते नहीं है। आ जाओ ले जाओ उसे। यार अल्लाह दफा कर इस नापाक दुकान को, किसी अच्छी सी जगह पे चल के तो रिज़्क़ के हलाल खाए। रिज़्क़ के हलाल कहाँ से खाएंगे, कौन सी दुकान पे मिलेगा? अच्छा क्या रिज़्क़ के हलाल? चिकन पीस खाएंगे और टिक्के खाएंगे, कबाब खाएंगे,
और मुर्ग जो दिखाएंगे ठीक तुम नहीं, 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 नहीं,